गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। आज मॉर्निंग से ही एक चीज़ नोटिस की जा रही है और वो ये कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है शहनाज गिल को लेकर के, या फिर यूँ कह सकते हैं कि शहनाज गिल की कामयाबी उनको हज़म नहीं हो पा रही है। यानी कि जिस तरह से उसके पिक्चर सामने आए हैं, आज हमने मॉर्निंग में देखा शहनाज की स्टोरीज़ में 12, 13, 14 पिक्चर्स मौजूद थे। एक से एक शहनाज ने मैगज़ीन के लिए शूट किया, अपना इंटरव्यू किया, सिद्धार्थ के बारे में कुछ बातें कही, मगर कुछ बेवकूफ़ लोगों के ये बातें समझ में नहीं आती, या फिर उनके कभी समझ में नहीं आएंगी, या फिर वो ये कह सकते हैं कि अंधभक्त हैं, दिमाग अपना कमज़ोर लिए बैठे हैं। वो लोगों को, दूसरे लोगों को सपोर्ट करते करते खुद का दिमाग भी, जैसे उनका खाली है, उनका भी दिमाग खाली होता जा रहा है। खरीदे हुए लोगों, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, या फिर सामने वाले की मेहनत को कम से कम देखने की कोशिश करो कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज शहनाज मैगज़ीन के लिए फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही है या फिर उसके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, तो तुम्हारी काहे जलती है बे? ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि तुम अपने माँ के पेट के अंदर से ही जलना तुमने शुरू कर दिया था कि अब हमें दुनिया में आना है और दूसरों से जलना है। आज शहनाज गिल की ड्रेसिंग को ले लो, या फिर उसके शूज़ को ले लो, या फिर उसकी स्लीपर्स को ले लो, एक से एक ब्रांड, एक से एक महंगी महंगी चीज़ें। पैसे क्या बताने भाई, पढ़ाई मारने का हमें शौक़ नहीं है। सारे सोशल मीडिया के ऊपर यह ढिंढोरा पीटा हुआ है कि उसके कपड़े कौन से ब्रांड के हैं, कौन से शूज़ पहनती है, सब जानते हैं ये बात, और इसमें कोई दो राय नहीं है। गूगल सर्च करके देख सकते हैं जो जूते पहनी हुई है क्या प्राइस है उसका। मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊँगा। जिस तरह तुम लोगों की नेगेटिविटी फैल रही, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, अपना वो काम कर रही है सोशल मीडिया पर, जो भी ये पोस्ट करती है फैंस को खुश करती है, आज उसके पास उसकी दुनिया छिन गई और तुम लोग आते हो उल्टा सीधा बकवास मार के चले जाते हो। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि कुछ लोग उसको बॉडी शेमिंग किया करते थे, उसकी ड्रेस के ऊपर ताने मारते थे, उसको ये कहा करते थे कि तेरी औकात से बाहर हैं ये ड्रेसेस, हैं तेरी औकात से बाहर है ये सारा मेकअप। आज उसने मेकअप की, आज उसने ऐसी ड्रेसेस की लाइन लगा कर रख दी है, वैसे ही क्या उससे ख़तरनाक ड्रेसों की लाइन लगा कर रख दी है। बॉलीवुड के सबसे बड़े फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी, उनके साथ में शूट करवा लिया, फेस मैगज़ीन बनवा डाली। फेस मैगज़ीन को ज़रा गूगल पे सर्च करके देख लो, पता लग जाएगा, इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ लो, फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, गूगल पे जाके देख सकते हैं कि फेस मैगज़ीन क्या है, किस लिए शूट किया जाता है और ये लोग किस लिए इंटरव्यू करते हैं, आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। आज इतनी सारी ड्रेसेस में, इतने सारे पिक्चर्स, इतने बड़े बड़े यार्ड के ऊपर पिक्चर्स क्लिक करवाना, तुम्हारी तो औकात तक नहीं है। मगर फिर भी हम ये सब कह के अपनी ज़ुबान को गंदी करना नहीं चाहेंगे। हम कहेंगे प्यार से रहो, प्यार हमेशा बांटते रहो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो बस मैं कहूँगा कि तुम्हारा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही है फोकट की।